मैं गिर जाऊंगा। ओ, गिर जाओगे तो सीधा खाई में जाओगे। आगे बढ़ो, ये बहुत ही आसान है, देखो। अंकुश, तुम ये नहीं कर सकते, इसके लिए फिटनेस चाहिए, फिटनेस। वो फिटनेस जो हमारे बॉस के पास है। इसे दिखा दीजिए कि आप कितने फिट हैं। देखो, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। बॉस, ये तो बहुत छोटा है, आपके लेवल का नहीं है। वो देखिए। पक्का? हाँ बॉस, एकदम पक्का। बॉस की लगी तो नहीं आपको? रंगा, सचमुच तुम्हारे फिटनेस का जवाब ही नहीं। क्या बोला? इस पार्क में तो सब इक्विपमेंट खराब क्वालिटी का है ना बॉस? मेरे पापा नया फिटनेस पार्क बनवा रहे हैं, जो 3 दिन में कंप्लीट होगा। अगर हिम्मत है तो वहाँ मेरे साथ फिटनेस का मुकाबला करना, है मंजूर? नहीं, मुझे नहीं करना मुकाबला। बॉस, अंकुश तो डर गया। मुझे मंजूर है। ठीक है, मिलते हैं 3 दिन बाद। मैंने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पता नहीं रंगा के पार्क में कौन सी फिटनेस चैलेंज होगी। अगर तुम फिट होगी तो कुछ भी कर लोगे, मैं तुम्हारी फिटनेस सुधारूंगा। हाँ? कल सुबह से ट्रेनिंग शुरू। बस बस, मैं थक गया। कितने किलोमीटर हो गए? एक पोल से दूसरे पोल तक यानी 100 कदम, और तुम थक गए। बस, मैं रंगा से जीत नहीं पाऊंगा। जीतोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ? माउंटेन पर साइकिल चलाने से स्टैमिना बढ़ेगा। जरूर अंकुश होगा, अंकुश। अंकुश
पहले उल्टी साइकिल अब उड़ती साइकिल है। वाह बॉस, अंकुश आपके सामने क्या है? अरे बॉस तो अभी और भी वेट उठा सकते हैं। सच में बॉस? बॉस तो हाँ बोल रहे हैं, और वेट लगा। बॉस और? बॉस और लगाने को कह रहे हैं। बॉस, ये फिटनेस पार्क में तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, सबके लिए नहीं है ये, सिर्फ मेरे लिए है। पहले मैं इसे यूज करूँगा, फिर उसके बाद सबके लिए ओपन होगा। सारे चैलेंजेस पार करके जो फिनिश लाइन तक पहुँचेगा वही विनर होगा। पहला चैलेंज स्विमिंग। नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। दूसरा चैलेंज वॉल क्लाइंबिंग। मैं अपनी उंगली नहीं हिला पा रहा। आखिरी राउंड मशरूम राइड। जल्दी
शू का साइज बढ़ाता हूँ। ये क्या हो रहा है, मैं गिर जाऊंगा। इकलौता सौ पे भाई दुश्मन से मारा मारी मुश्किल में साथ निभाए यारी पे जान लगाए ना इसके जैसा संगी। रिमोट पे आग, कहीं मेरे में ना लग जाए। जंगल के भूत पेड़ों पर रहते हैं, मैं पेड़ों को ही काट कर अलग कर दूंगा। फिर ना रहेंगे पेड़ और ना बचेगा जंगल और ना रह पाएंगे भूत। समझे? बच्चे ठीक कह रहे हैं, हमें पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी तो आप लोगों की बढ़ने वाली है। अभी तो भूत जंगल के अंदर डरा रहे हैं, कल को जंगल के बाहर निकल कर डराएंगे, आपको डराएंगे, आपके परिवार को डराएंगे, आपके बच्चों को डराएंगे। नहीं, कोई भूत भूत नहीं होते, ये सब झूठी कहानियाँ हैं। भूत होते हैं, भूत होते हैं। मैंने खुद भूत को देखा है, कल ही की बात है। मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था और अरे सुनो चाचा, थोड़ा रुको ना, मैं भी चलता हूँ। जंगल का रास्ता है तो एक से भले दो, है ना? आप चिंता मत करो चाचा, मेरे रहते अब आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तकलीफ मुझे क्यों होगी? तकलीफ तो तुम्हें होने वाली है। तभी से मुझे बुखार चढ़ा है, देखो मेरा शरीर अभी भी कितना गर्म है। ये तो सचमुच बहुत गर्म है। लेकिन तोताराम जी, क्या जंगल के पेड़ काटना जरूरी है भूतों को भगाने के लिए? अब भूत भगाने हैं तो पेड़ तो हटाने ही होंगे। नहीं, ये गलत है, हम नहीं मानते इस बात को, ये गलत है, हम पेड़ काटने नहीं देंगे। सेव द ट्री, सेव द ट्री। पेड़ों का क्या, आज कट जाएंगे तो हम लोग दोबारा नए पौधे लगा देंगे। क्यों भाई, ये तुमको पेड़ ज्यादा पसंद है या भूत? माँ, लोग ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझते? भूत तो होते ही नहीं। पर डर तो होता है ना बेटा, और लोग इस वक्त डरे हुए हैं। इसी का फायदा तोताराम जी उठा रहे हैं। अब वो सारा जंगल काट कर लकड़ी बेच देंगे और ऊपर से लोगों पर एहसान जताएंगे कि उन्होंने तो ऐसा भूत भगाने के लिए किया था। खैर, तुम हाथ मुंह धो के रेडी हो जाओ, मैं अभी फटाफट तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और
अरे कहाँ थे तुम? मैं सुबह से तुम्हारी तलाश पे हूँ। और तुम्हें पता है, वो तोता राम जी पूरा जंगल कटवा रहे हैं। क्या जंगल कटवा रहे हैं? क्यों? लोग कह रहे हैं कि जंगल में भूत है। जरूर ये सब कहानियाँ तोता राम ने ही बनाई होगी। हाँ, पर अब क्या हो सकता है, फनीपुरा के सारे लोग उन्हीं की तरफ है। अब तो सारा जंगल कट ही गया समझो। अरे ऐसे कैसे जंगल कटेगा? अंकश और बजरंगी के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे बंत्री, इस केमिकल से इतनी जल्दी ये सारे पेड़ सूख जाएंगे क्या? तूफान, ये केमिकल बहुत खतरनाक है, मिनटों में बड़े से बड़े पेड़ को सुखा देता है। अरे फिर तो ये हरे हरे पेड़ जल्दी सूखने वाले, और इन्हें बेचकर तोताराम जी हरे हरे नोट कमाने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे जल्दी से भागो। अरे बच्चा, अरे पेड़ जी हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। माफ? अरे मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। ये कौन बोला? अरे पेड़ ही बोल रहा है, और यहाँ कौन है? भागो भागो। बड़े आए थे पेड़ सुखाने। एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख। अरे निकालो, अरे कोई है निकालो। खबरदार, जो मेरे पैसों को हाथ लगाया तो नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी से। एक छोटा सा काम दिया था पेड़ सुखाने का, वो भी नहीं कर पाए। पेड़ वाले भूतों की कहानियां सुनाते रोते रोते घर पहुंच गए। अब देखता हूँ कौन से पेड़ का भूत है, आज सबको भगा दूंगा, सबको। अरे बॉस, कहीं वो आपको ना भगा दे। चुप करो बेवकूफों, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। चलो चलो, अब काम शुरू करो, एक भी पेड़ बचना नहीं चाहिए। चलो चलो। इतने सारे बुलडोजर्स एक साथ, ये तो जरा ही देर में पूरा जंगल उखाड़ फेंकेंगे। उससे पहले मैं इन सबको नाना नानी साथ में याद दिला दूंगा, देखते जाओ। आओ तुम्हें इस जंगल के भूतों की कहानी सुनाता हूँ। अरे बॉस, पेड़ वाला भूत आ गया। क्या कर रहे हो मंत्री? जल्दी से जीप पीछे लो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। पकड़ लेगा।
बहुत भयानक पेड़ वाला भूत है, बहुत भयानक। जंगल में कोई भूत भूत नहीं है, ये सब तो दाराम जी की चाल थी। क्यों 1, 3 और 2, 4 पेड़ वाला भूत बहुत मारेगा, सच सच बोल दो। हमें लोग ये वाले कपड़े पहनकर भूत बनकर लोगों को डरा रहे थे, हमने मुरारी को भी डराया था ताकि तोताराम जी ये जंगल कटवा सके। इन्हीं ने 1, 3 और 2, 4 को ड्रेसेस पहना कर जंगल में भूत बनाकर भेजा था। अंकुश, क्या तुम लोगों ने मुझे डराया? मारो इन सबको। भागो, 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 भागो